सब इलेक्शन खत्म हुआ है, कल के बाद हमारा इधर शपथ को होना है, उसके बाद 1-2 तारीख से फिर आप देखेगा अवेलेबल मित्रों मित्रों आपको स्मरण होगा, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल की एक सभा में कहा था कि 40 विधायक हमारे संपर्क में हैं। उसके बाद टीएमसी में प्रतिक्रिया हुई, टीएमसी के बहुचर्चित नेता डेरेक ने एक ट्वीट किया था कि 40 विधायक तो क्या एक कारपोरेटर भी नहीं जा सकता। आज 50 से ज्यादा कारपोरेटर तो यहाँ पर हैं, 3 MLA हैं। जैसे बंगाल में 7 चरण में चुनाव हुए थे, हम भी इसी प्रकार अगले महीने 7 चरण में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम करेंगे। हर महीने अलग अलग चरणों में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम होगा। ये पहले चरण में 3 विधायक और 50 काउंसलर हैं, 3 नगरपालिकाओं पे हमारा कब्जा है, जिला पंचायत पे भी हमारा कब्जा होगा। और अब धीरे 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 करके ममता जी के आतंक से, ममता जी की तानाशाही से परेशान होकर जिन लोगों का टीएमसी में दम घुट रहा है, वो सारे लोग बीजेपी में आना चाहते हैं। हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे, हर किसी को नहीं लाएंगे, जो बीजेपी के लायक होगा उसी को लाएंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे, हमारी तो शुभकामना है ममता जी के साथ कि वो 21 तक मुख्यमंत्री बनी रहे, पर उनके कर्मों के कारण यदि वो उनको खुद का ही शार्ट क्रिएट करें तो ये तो उनकी जवाबदारी होगी। पर हमारी उनके साथ शुभकामना है कि वो हम 21वीं चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको लाए हम 21वीं हमारी सरकार बनाना चाहते हैं। और यदि उनके लोग उनको छोड़ छोड़ के आ जाएंगे तो उसमें फिर कोई हमारी कोई गलती नहीं है उसमें। तो मैं सभी बीजेपी के हमारे टीएमसी के जो कार्यकर्ता है बीजेपी में शामिल हुए हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। सबको मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है, मोदी जी के चमत्कारी नेतृत्व से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में बंगाल में लोग सिर्फ टीएमसी नहीं अन्य दलों से भी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप शार्ट नोटिस में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके प्रश्न पूछना चाहें तो मुकुलदा यहाँ बैठे, उसके बाद इनसे बचे तो फिर मुझसे पूछ लें।